अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सेवरिन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन, उसके बाद ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आप तक पहुंच सके। सेवरिन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के रिलेटेड, जो कि 2023 में शायद उसका जो प्रोसेस है वो फास्ट भी हो सकता है और किन केसेस में स्लो भी हो सकता है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और कुछ और अभी हमारे बहन भाई ने मुझे टेक्स्ट किया था कि भाई प्लीज़ हमें इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो बना देना, जिसमें हमें बताना कि उसके मतलब क्या हो सकते हैं, रीजंस क्या हो सकते हैं, और हमें मतलब जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करूँगा, उसके आंसर्स मैं आपको सारे बताऊँगा। सो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे एक भाई का मैसेज आया था कि भाई मेरा जो स्टूडेंट वीज़ा है मैं अभी अप्लाई करने लगा हूँ, लेकिन जो मेरा गैप है मतलब उसमें 2-3 ईयर्स का गैप है, मतलब उसने मुझे ये कहा कि 2019 में मैंने मतलब सेकंड ईयर किया था, लेकिन अभी क्या चांसेस बन सकते हैं कि जो मेरा गैप है उसको कवर करने के लिए। देखें, जो अभी के टाइम में ऐसा है कि आपको सबसे पहले एक वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया वीज़ा में, उनके डॉक्यूमेंट्स में, के मतलब उसमें कोई भी इस तरीके से आप लोग फेक डॉक्यूमेंट ना देना कि हम मतलब आप गैप कवर करने की कोशिश करें उसको। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों के पास अगर कोई मतलब गैप प्रूफ के लिए अगर आपके पास कोई एक शॉर्ट डिप्लोमा है, अगर आपका मतलब 2 ईयर्स का कोई आपने कोई शॉर्ट डिप्लोमा किया हो या मेडिकल फील्ड में हो या कंप्यूटर साइंसेस फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो, तो उसके बिना पर मतलब आप लोग का जो गैप है वो उसमें प्रूफ हो सकता है। और उसके बाद क्योंकि देखें, आपसे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ये चीज़ पूछता है कि आपने जो इधर गैप है वो क्यों गैप है इसमें, तो वो तो ज़रूर कहेगा स्टूडेंट ने टाइम वेस्ट किया हुआ है तो उसको हम वीज़ा क्यों दें, इतना मतलब बड़ा गैप है इसका। तो गैप कवर करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने एक जो है या शॉर्ट डिप्लोमा आप लोगों ने करना है या उसके साथ आप लोगों ने कोई मतलब ऐसा कोर्स करना है मेडिकल फील्ड में। अगर आप लोग कोर्सेज करते हैं तो उसमें ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा और उसमें चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। अगर 2 ईयर्स का गैप है, अगर आप लोग उसमें 1 ईयर का भी करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादातर चांसेस है। और उसके बाद जो लोग कहते हैं कि हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है, अगर आप लोग के पास देखें वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी काम का, तो आप लोग उसमें मतलब ये शो करें उसमें अपने जो आपका जो प्रोवाइडर है जो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, और उसके बाद बाकी जिसने मतलब आपको स्पॉन्स वगैरह किया उसका भी आप लोगों ने हर चीज़ मेंशन कर लेना, आप लोग कहाँ पर जॉब करते थे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हो गए और कंपनी का क्या नाम था, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उसमें मेंशन करनी है ताकि वो इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सके। क्योंकि आजकल की जो एम्बेसी के सूरत हाल है, जो अभी मैं करंट सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि वो एक एक डॉक्यूमेंट को क्लियरली चेक कर रहे हैं। पिछली बार की तरह नहीं हो रहा कि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करता था तो बस वो सिर्फ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स देख के बाकी बस कहते थे चलो इसके बैंड्स अच्छे आ गए हैं तो इसको हम वीज़ा दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखें, अभी बहुत रूल स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आप लोग के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वेरीफाई क्लियर होने चाहिए। और उसके बाद बाकी जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हमें बता दें कि हम डिप्लोमा में कितने चांसेस है, सॉरी डिप्लोमा के बारे में आपको बता दूं, देखिए डिप्लोमा आपके डिपेंड करता है, जो आपके कोर्सेज हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर डिप्लोमा में अगर आप लोग मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मेडिकल फील्ड में आप लोग के बहुत ज़्यादातर चांसेस बनते हैं। अगर आप लोग नर्सिंग फील्ड में जाते हैं या उसके साथ अगर आप लोग एज केयर फील्ड में जाते हैं उसमें या कोई ऐसे शॉर्ट कोर्सेज में अगर आप लोग डिप्लोमा करते हैं लेकिन मेडिकल फील्ड में हो, तो उसमें बहुत ज़्यादातर आपके लिए चांसेस होते हैं ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के। और उसके बाद बाकी हम आ जाते हैं यहाँ पर जो वीज़ा रेशो की बात कर रहे थे बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट्स के, भाई वीज़ा रेशो बता दें। देखिए, मैं आपको क्लियर 100% तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ मतलब 60% तक, 65% तक थे जो अभी करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक 2023 में जो आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो अभी ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए देखें अगर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, हर चीज़ क्लियर है, और उसके बाद गैप प्रूफ भी उन्होंने बता दिया कि मैंने जो गैप प्रूफ था उसमें क्या किया है और क्या नहीं किया, तो उसके बाद जो उनके चांसेस बनते हैं वो बहुत ज़्यादातर चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया ने जून जो 2023 तक इन्होंने एंड 30 जून तक सॉरी इसमें इन्होंने क्लियर बताया है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो फुल टाइम काम भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो अभी की एक और अपडेट मैंने चेक की थी जिसमें इन्होंने बताया था कि जो वर्कर्स शॉर्टेज है उसको अभी ये कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि 2023 में इसको करेंगे। और एक और बात जो कि बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भाई हमें अभी की जो डिमांडिंग कोर्सेज है पीआर कोर्सेज में हमें बता दें कि हम जो कौन से मतलब फर्दर आगे आने वाले टाइम में हमें जो बेनिफिशियल देंगे वो कौन से कोर्सेज हैं।
देखिए मैं आपको बता दूं जो अभी कि रैंकिंग में जो कोर्सेज जा रहे हैं, सबसे पहले आता है कारपेंट्री। देखिए अभी जो मैंने कोर्स सेलेक्ट किया है वो मैं आपको बता दूं, मैंने कारपेंट्री सेलेक्ट किया है क्योंकि कारपेंट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में अभी जो है कंस्ट्रक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग कारपेंट्री में जाते हैं तो आपको स्कोप है उसमें, उसके बाद ब्रिकलिंग में जाते हैं स्कोप है, और उसके बाद अगर आप लोग वेल्डिंग की फील्ड में जाते हैं तो वेल्डिंग की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, और उसके बाद बाकी बेकरी कुकरी वगैरह हो गए। तो जो लोग कुकरी के बारे में कहते हैं, देखिए पहले ऐसा होता था कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आता था, ये एक हकीकत है कि वो जब भी आता था तो बस डायरेक्ट कुकरी के कोर्स सेलेक्ट कर लेता कि हमने कुकरी पे जाना है, वो इजी है, बस उसमें कुकिंग वगैरह ये। देखिए मैं अभी आपको एक आप बात क्लियर बता रहा हूँ कि आप लोग इस फील्ड में मत जाएं कि जो बस पीआर में जितने कोर्सेज हैं हम उसमें से जो आसान कोर्स है वो सेलेक्ट करें, ऐसे मत करें। देखें आप लोग डिमांडिंग कोर्स जो है आप लोग उसमें जाएँ, उसमें आप लोग को फ़ायदा होगा। देखिए कुकरी में जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने मुझे टेक्स्ट किया कि कुकरी के बारे में सॉरी बता देना, तो कुकरी के बारे में मैंने आपको क्लियर बता दिया कि उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। उसके बाद बेकरी वगैरह भी हो गया सेम, वो भी इसी तरीके से सिचुएशन है। अगर आप लोग जाते हैं मैं आपको यही रेफर करूँगा कि आप लोग जाएँ कंस्ट्रक्शन फील्ड में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादातर आप लोग को चांसेस होंगे और बहुत ज़्यादातर आगे फर्दर आने वाले टाइम में आप लोग के लिए सारे रास्ते मतलब ओपन होंगे और क्लियर होगा, कोई भी मुश्किलात फेस नहीं आएंगी। और उसके बाद बाकी जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया जब आते हैं तो हम कितने टाइम बाद जो कोर्स है वो चेंज कर सकते हैं, देखिए जो कोर्स का जो लीगल टाइम है जो ऑस्ट्रेलिया ने खुद रिकमेंडेड किया है इसको, वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जब वो 6 months कंप्लीट कर लेते हैं अपने प्रीवियस कोर्स में, उसके बाद वो चेंज कर सकते हैं, कोई एक नई फील्ड में जा सकते हैं जो पीआर कोर्सेज फील्ड में होता है। और उसके बाद बाकी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई मेरे मतलब कहते हैं मैट्रिक में इतने मार्क्स हैं, मैट्रिक में इतनी परसेंटेज है, सेकेंड में इतनी परसेंटेज है और हमारे बैंड्स इतने हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग 50% से अबव आप लोग के मैट्रिक सेकेंड ईयर में परसेंटेज हैं, उसके बाद आप लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बैंड्स हैं वो मैं आपको बता दूं, पहले 6 बैंड चाहिए थे, अब 6.5 से आप कोशिश करें कि ऑलमोस्ट 7 बैंड्स तक आप लोग लें ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अभी, जिस तरीके से बहुत ज़्यादातर इंडिया से बहुत ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स हैं क्योंकि वो जो कि बहुत ज़्यादातर मतलब अच्छे मार्क्स लेते हैं, जो कि एक रियल ट्रुथ है, जिसमें बहुत ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट जो अबव क्रॉस करते हैं कि 7 बैंड से अबव वो बैंड्स लेते हैं, और उसके बाद जो उनके पीटीए स्कोर है वो भी बहुत वेल डिजर्विंग स्कोर होता है और बहुत अच्छा स्कोर होता है। तो आप लोग कोशिश करें, अगर आप लोग एक दफ़ा टेस्ट करते हैं अगर आप लोग के अच्छे मार्क्स नहीं आते तो आप दोबारा ट्राई करें उसको, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं जिनके पहले 5 बैंड्स आए हैं, उन्होंने दोबारा ट्राई किया तो दोबारा उनके 6.5 आ गए हैं। तो देखिए इस तरीके से इंप्रूवमेंट होता है। आप लोग ये ना करें कि मैंने एक बार टेस्ट दे दिए बस उसके बाद मैंने दोबारा टेस्ट नहीं देना, आप लोगों ने इस तरीके से नहीं करना। आप लोग एक बार टेस्ट दें, अगर अच्छे बैंड्स नहीं आते उसके बाद आप लोग दोबारा अप्लाई करें तो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे आएंगे, क्योंकि देखें अगर आप लोग कोशिश करेंगे किसी चीज़ के लिए तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा, ना कि वो आपको एक मतलब फेलियर टाइप रिजल्ट देगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, आप लोग एक अच्छे तरीके से आप लोग टेस्ट दें, और उसके बाद बाकी वीज़ा रेशो मैंने आपको बता दिया कि 2023 में फेब इनटेक में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनके बहुत ज़्यादातर चांसेस बनते हैं, क्योंकि अगर नए साल के साथ जो नए स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो उसमें मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करें, लेकिन अप्लाई करना आफ्टर 12 जनवरी के बाद अप्लाई करना, क्योंकि क्रिसमस में आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करना इस चीज़ पर। सो आज की बस वीडियो आ सकते आपके साथ एक शॉर्ट, बस मैंने कुछ चीज़ें शेयर करनी थी जो हमारे जो भाई बहन हैं उनके टैक्स वगैरह के मैंने आपको रिप्लाई दे दिया, क्योंकि ये वीडियो भी बनती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब टैक्स आते हैं तो वो समझते हैं शायद ये इग्नोर कर रहे हैं। देखिए मैं इग्नोर नहीं करता, मैं सारे टैक्स पढ़ता हूं, बस जिसका मुझे आंसर आता है मतलब मैं उसके हवाले से मतलब वीडियो बनाता हूँ। सो बस आज की वीडियो आ सकती है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।